तीसरा चंद्रयान, चंद्रयान 3 अब चंद्र की के करीब पहुंच गया है और कुछ ही समय में वो सतह पे उतरेगा, तो सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। ये हमारा तीसरा मिशन है। पहले मिशन में हमने छोटा सा एक डिवाइस चंद्र पे डाला था। दूसरे मिशन में हमने एक बगी चलाने की कोशिश करी थी, मगर कुछ अंतिम समय में कुछ गलती की वजह से वो बगी पहुंच नहीं पाई। अब तीसरी बार जब हम जा रहे हैं तो हम बगी को ठीक से पहुंचाएंगे, और इस इसरो का यही फोकस है कि वो एक बगी चंद्र के दक्षिण ध्रुव की तरफ उतारे और उसको घुमा के वहां की सतह को ठीक से देखे। तो चंद्रयान कई लैंडमार्क हो चुका है, जैसे कि उसने सबसे पहले चंद्र पर जो पानी है उसके बारे में जानकारी निकाली और दुनिया को बताया कि उसके चंद्र दक्षिण ध्रुव में कितना पानी है। चंद्र N2, हालांकि उसका जो रोवर था वो जमीन पे सतह पे ठीक से नहीं उतर पाया, मगर फिर भी जो उसका जो मॉड्यूल था जो चंद्र के आसपास घूमता था उसने भी बहुत डेटा दिया है। हालांकि वो इतनी अच्छी तरह से चल रहा है कि चंद्रयान 3 में उन्होंने कोई रोवर और उन्होंने कोई ऑर्बिटर रखा ही नहीं है। जो होगा वो सिर्फ रोवर होगा जो कि जमीन सतह पे उतरेगा, और वो चंद्रयान 2 के रोवर से के माध्यम से बात कर। तो हमको काफ़ी कुछ नई टेक्निक की है, कई कुछ नई सुधार किए हैं, नए कुछ हम इंस्ट्रूमेंट डाले हैं, तो उसकी वजह से हमको काफ़ी कुछ नई जानकारी मिलनी चाहिए। और इसरो का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि हमें विश्वास है कि इसरो का ये मिशन ज़रूर सफल होगा। तो अगले बुधवार से या अगले गुरुवार से हमको चंद्र के बारे में कई कुछ नई जानकारियां मिलेंगी। दक्षिण ध्रुव की तरह उतर रहा है, जहां की कभी ने उतरने की कोशिश नहीं की है, करने में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, क्योंकि वो सतह बहुत रफ है, वहां बहुत डूंगर है, वहां बहुत क्रेटर है। पहले के जो यान गए हैं वो सब इक्वेटर के पास उतरे हैं, जहाँ की उतरना आसान था, मगर ध्रुव है जहाँ पानी है, तो वहां उतर के वहां की जानकारी निकालना बहुत मुश्किल है। तो वैसे ही इसरो ने बहुत मुश्किल काम हाथ में लिया था। पिछली बार कई कुछ वजह से नहीं हो पाया, मगर इस बार जरूर होगा और हमको दक्षिण ध्रुव की ओर की का पता चलेगा। आपको जानना हो कि कितनी टेक्निकली वो मुश्किल है, तो आप देख सकते हैं कि रशिया, जिसको इतना सारा एक्सपीरियंस है चांद चांद पे जाने का, उसका भी मिशन फेल हो गया है। तो कोई आसान सी चीज़ नहीं है, मगर ज़रूर होगी। इसरो ज़रूर हमको नई जानकारी देगा चंद्र के बारे में, और हम सब उत्साहित हैं कि अगले हफ्ते से हमको कुछ चंद्र के बारे में ऐसा जानने को मिलेगा जो आज तक हम नहीं जानते थे।